बिस्मिल्लाह रहमान रहीम द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ द तंजीम नुमाइंदगी मुझमुख हम दरदा बावर कड़े गई वरकड़े में दी नन हम दगा खबर कहूँ सिर खबरी सरे यो कजंगी माली कवक्ती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ द वतन जवाना नुसरा द मंजूर पश्तेन सरा और द जिरगे ची हर पे सलाई ची हर दगे कड़े दे मुझ सर मुलगरी स खबरी बा रियासत ता द रियासत पजुबी की दिवच उर तक कुम कोमी जुब उर तवियाई बाग जुबी की कवल उर तवाड़ मा हम ये कहना चाहते हैं कि जो समझते हैं कि ये जिरगा या मंजूर पश्तेन ये क्या है, हम आपको बताते हैं कि जिरगा क्या है। आपको शायद तारीख का सही तरीके से पता नहीं है। आपने जो अंग्रेज का निजाम हमारे ऊपर मुसलत किया हुआ है, इस अंग्रेज के निजाम में आप किसी कत्ल के मुदई को, मैंने अरनाई में ऐसे मुकदमे देखे हैं, पूरे पाकिस्तान के लेवल पे आपको मिसाल देता हूं, आप सजा नहीं दे सकते हैं। आपका तफ्तीशी जितना आपने रवैया बनाया हुआ है या उसका तरीका बनाया हुआ है उसमें आप कोई मुल्जिम नहीं पकड़ सकते। जिरगे का मैं आपको बताता हूँ, सौ सौ कत्लों के, पचास पचास कत्लों के, पांच पांच कत्लों के फैसले हमारे बड़ों ने, हमारे जिरगों ने मिनटों में और सेकंडों में किए हैं। आप नहीं कर सकते हो, जिरगे की बहुत बड़ी तारीख है। ना आप जिरगे वालों को रोक सकते हो, ना जिरगे को खत्म कर सकते हो, ना ये पंजाब की आवाम है कि आप उसके ऊपर शेल करोगे ये घर से नहीं निकलेगी, न ये पंजाब की आवाम है, न ये डी चौक की आवाम है कि आप FIR काटेंगे तो ये डर के मारे घर से नहीं निकलेंगे। ये पख्तून है, इन्हें नेटो ने नहीं शिकस्त दी, तुम तो उनके पिट्टू हो, तुम क्या इनको शिकस्त दोगे। और दूसरी बात जो कहते हैं कि ये BLA, ये बात वाजे, BLA का मौकफ वाजे, BLA का मसला रियासत के साथ है, रियासती इदारे के साथ है, इंटेलिजेंस के साथ है, उसका पश्तून के साथ कोई मसला नहीं है। अगर है तो हमें दिखाया जाए, बताया जाए, समझाया जाए ये कैसी BLA मेरे जिम्मेदार को लूटती है, मेरे कोले वाले से टैक्स लेती है, मेरे ट्रकों को जलाती है, आपको कुछ नहीं कहती है। दुश्मन आपकी है, लड़ मुझसे रही है, मार मुझे रही है, अगवा मुझे कर रही है, ये जो सड़कें नहीं बन रही है इससे भी BLA ने आपको रोका है, ये जो मेरा अस्पताल तबाह है ये भी BLA ने तबाह किया है, ये जो करप्शन और कमीशन मेरे कौम के ऊपर हो रही है ये भी BLA ने किया है। अरनाई वालों को शायद अपने इलाके के मादनियात का अंदाजा ना हो कि आप लोग किस कदर कीमती वतन में जिंदगी गुजार रहे हैं। आपके अरनाई में ऐसा पत्थर भी मौजूद है जिसका एक फुट, टन नहीं एक फुट, इंटरनेशनली मार्केट में इस वक्त उसकी कीमत 45,000 रुपए, एक फुट की बात कर रहा हूँ। आपको अल्लाह पाक ने पहाड़ दिए हुए हैं, यहाँ कुछ जाहिल है, कुछ बेवकूफ है जो अग्यार किया तो छोटे छोटे मफादात हासिल करके कौमों के वसाइल का सौदा करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौकफ पहले दिन से वाजे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो सियासी जमात है जिसने वजीरिस्तान में होने वाले ड्रोन हमलों के खिलाफ, जिसने खैबर पख्तूनख्वा में होने वाले ड्रोन हमलों के खिलाफ पहला मार्च किया था वो इमरान खान था। कोई अपने घर से नहीं निकल सकता था, इस जमात ने उठ के कबाइल की बात की। इमरान खान ने अमेरिका में बैठ के, ये कहते हैं ना कि सियासतदान नहीं होने चाहिए, ये मंजूर जो कर रहा है ये भी सियासत है मेरे भाइयों। सियासत में फर्क होता है, एक पार्लिमानी होती है एक गैर पार्लिमानी होती है। मंजूर जो कहता है कि हमारा इस पार्लियामेंट पे एतमाद नहीं है, ठीक कहता है। कौन सी पार्लियामेंट? वो पार्लियामेंट जिसमें आपने हारे हुए लोगों को हर वक्त बिठाया है, जो जीतता है उसको पांचवें पे फेंक देते हैं, जो पांचवें नंबर पे होता है, तीसरे नंबर पे होता है उसको आप पहले नंबर पे खड़ा करते हो। यानी कहने का मकसद ये है कि इस इलाके में, इस जोग्राफिया में जो सियासी पार्टियां हैं या जो भी अपोजिशन में या गवर्नमेंट में, पहले नंबर वोट लेने वाले जो हैं वो गवर्नमेंट में बैठते हैं, दूसरे नंबर पे वोट लेने वाले जो अपोजिशन में आते हैं। या ना आप अपोजिशन को असेंबली जाने देते हैं, ना आप अक्सरियत को असेंबली जाने देते हैं, उन दलालों को लाते हैं जो आपके लिए गाड़ियां चोरी करके लाते हैं, जो आपके लिए वतन के सर पे सौदा करते हैं। अब इस वतन में सौदागर कोई नहीं बनेगा। ये जो अब यहाँ कुछ लोग खड़े होके कह रहे थे कि यार हमारे साथ बड़े साथ दे, हर वो बंदा बड़ा है जो आवाम के आगे खड़ा होके कौम की बात करे, कौम के वसाइल की बात करे। बड़े होने की सिंग नहीं होती है कि बड़ों के सिंग होते हैं, आप सब बड़े हो।
और वो सब छोटे हैं जिसका जमीर मरा हुआ है, जो कौम के वसाइल पे नहीं बोल रहा है, जो कौम के मसाइल पे नहीं बोल रहा है। ये पगड़ियों से, ये बड़ी बड़ी गाड़ियों से, ये बड़े बड़े बंगलों से लोग बड़े नहीं बनते। लोग बड़े अपने किरदार की वजह से बनते। अपने किरदार को चेंज करे, अपने लोगों को शऊर दे, अपने लोगों को तालीम दे। और ये रियासत दूसरी बात क्या करती है कि मंजूर पश्तून और मारंग बलोच इनको राह सपोर्ट करती है। अब मैं आता हूँ राह की तरफ। राह कौन है? राह इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसी है, जिस तरह हमारी ISI है, कहते उसे नंबर वन है, लेकिन अपने मुल्क की सिक्योरिटी की हालत हमारे सामने, अब इस हालत से ही हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये नंबर वन है या जीरो है। राह आपको जो इंडिया का बॉर्डर है वो लाहौर के साथ लगता है, वो पंजाब के साथ लगता है। अगर राह को हमला करना है या उसने कुछ करना है, वो आके उधर क्यों नहीं करता है? बॉर्डर आपके साथ टच है, आप वो आपके रास्ते से सकते हैं। और यहाँ हमले आप कहते हैं कि ये मंजूर और जो मारंगे ये राह के साथ मिले। राह के साथ तो आपका ये पाला हुआ लाडला है जिसने अरबों रुपए पाकिस्तान के चोरी किए हैं, मियां नवाज शरीफ, उसके साथ नहीं बैठा होता है हर वक्त? ये आपके जितने आपके इंटेलिजेंस चीफ से या आपके जितने आर्मी चीफ गुजरे हुए हैं, ये खुद इंडिया नहीं जाते हैं? ये अमरीका की दलाली नहीं करते हैं? और यहाँ एक भाई ने बात की कि आप पंजाब जाके, ये वली खान के अल्फाज है, सदाम के नहीं है। सदाम खान वली खान के सामने कोई हैसियत नहीं रखता है। जब तक पंजाब की आवाम को घरों से नहीं निकाला है ना, ये नहीं तस्लीम करेंगे आपको। आपने हजारों कुर्बानियां दी है, आपके नौजवान लापता हुए हैं, आपके सियासी जितने नुमाइंदे बड़े बड़े उन्हें शहीद किया गया है, बड़ी बड़ी तहरीकें चली है। हम मंजूर के खिलाफ नहीं है, मंजूर के साथ हम डट के खड़े होंगे। मोर्चे में आगे हम होंगे, पीछे मंजूर के लोग होंगे। लेकिन कहने का मकसद ये कि हमने सिर्फ यहाँ नहीं बैठना है, हमने घर में जाके उनको बताना है कि आपने हमें लूटा है, हमारे दरबदरी के जिम्मेदार आप है। जो हमें गदार कहता है वो यहाँ आए, हमारे हालात देखे, वो हालात उसको खुद बता देगा गदार कौन है। 2 साल आपके साथ जुल्म हुआ, जो PTI के जितने मेंबर है पंजाब में, जो जुल्म हुआ ना, 2 साल हुआ है, ज्यादा नहीं हुआ है। आप लोगों को नजर आ गया कि ये बंद कमरों में जो बैठे, यानी आसिम मुनीर हो गया, नदीम अंजुम हो गया, या जो गलत फैसले कर रहे हैं, ये गदार है आज आप लोग कह रहे हैं। तो सोचे यार, 2 सालों में आपको क्या तकलीफ मिली? अरशद शरीफ शहीद हुआ है, जुलेशा शहीद हुआ है, कुछ लोग उठाए गए, कुछ पंप्स तोड़े गए, कुछ माली नुकसान पहुंचाया गया है, औरतों को घसीटा गया है। अब आए सुने ना, जो पश्तो में अभी यूसुफ शाह ने यहाँ कहा कि हमारे 7,000 से ऊपर हमारी बहनें इस तरह बैठी हुई है पठानों की, जिनको ये पता नहीं है कि मेरा शोहर जिंदा है, मुर्दा है, किधर है। वो अब इस उसमें बैठे हुए कि हम, हमारा शोहर फोत हो गया है, हम दूसरी शादी कर ले, या हमारा शोहर सलामत है जेल में, इन जाबिरों के पास है, वो दोबारा आएगा। हमारे ऊपर तो ड्रोन हमले हुए, हमारे सामने हमारे जिला अरनाई की मिसाल है, खालिद दाद बाबड़, जिसको बेगुनाह शहीद किया गया, उसी दिन TGI SPR ने और इस दलाल मीडिया ने चलाया कि दहशतगर्द को मारा है। अगर आपके नजर में खालिद दाद दहशतगर्द है, अगर आपकी नजर में उस्मान काकर दहशतगर्द है, तो हम सब दहशतगर्द है। हमारे जितने पश्तून नौजवान है, हम सब दहशतगर्द है। हम आपके खिलाफ पहले जुबानी मुजाहिमत करेंगे, अगर आप नहीं मानेंगे, खुदा पाक की कसम, वो दौर गुजर गया जब लोग इंतजार करते थे, इंटरनेट का दौर है, पटानार चीज करने के लिए तैयार है। मैंने पहले भी कहा, फिर कहता हूँ आखिर में, ये पंजाब नहीं है, नहीं, ये पंजाब की आवाम है, जिसे आप डराएंगे धमकाएंगे, इस चीज से मसला हल होगा। इस चीज से मसला नहीं हो, नहीं हल होना है, आपने इनके मसाइल सुनने होंगे, इनके मसाइल को हल करना होगा। हमारे पार्टी की तरफ से KP असेंबली में वजीर आला ने ऐलान किया कि सूबे के हवाले से PTM की जितनी शिकें, उसे हम मंजूर करते हैं और उस पर अमल दरामद करने के हम पाबंद है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिर्फ सूबे की हद तक सियासत नहीं करती है, मरकजी जमात है, और मरकजी हवाले से जो PTM के जितने नुकात है, हम खुलेआम कहते हैं ये कानूनी है, हम इसके साथ है। और हम ये कहना चाहते हैं कि किस तरह कानूनी है, आपके अपने आईन में लिखा हुआ है कि आर्मी जो है, रेंजर्स जो है, जो FC है, इसको बॉर्डर के लिए बनाया गया है। अगर कहीं आईन में ये लिखा हुआ है कि ये आके बदमाशी करे, टाउन कमेटी में मीटिंग करे, सिविल सुप्रीमेसी को पैरों के नीचे रोंद के DC के हाउस में बैठ के या DC के दफ्तर में बैठ के खुला कचेरियां करे, फिर तो ठीक है, हम मान लेते हैं। अगर आईन में नहीं है, आईन में बॉर्डर है, तो आपका बाप भी अब जबरदस्ती अमेरिका की जंग हमारे ऊपर मुसलत नहीं कर सकता है। वह सलाम, बड़ी मेहरबानी।